पर खड़े हो और जी हमारी सलूट करें। जय श्रीमान प्लाटून कमांडर रूप नीचे जड़ी मंजित कुमार शर्मा आईटीबीपी। छह पांच चार तीन और दो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ सात छह पांच अगस्त आज़ादी का ये पर्व और इस अवसर पे छत्तीसगढ़वासियों को प्रदेशवासियों को देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज राजनांदगांव के लिए और मेरे लिए जीवन का ऐतिहासिक दिन है।
आज दो बात नहीं हो रही है, एक तो शौर्य परेड मैदान में पहली बार 15 अगस्त का परेड हो रहा है भव्यता के साथ, और जो लुक दिख रहा है वो पूरे लाल किले का लुक दिख रहा है। तो बहुत अच्छे स्थान का चयन प्रशासन ने किया है और इसमें आज जो भी आया प्रसन्न होके गया। दूसरी बात जो पहली बार हो रही है, मैं 15 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल केंद्र में मंत्री रहा, विभिन्न दायित्वों में रहा, मगर राजनांदगांव के लंबे काल तक सांसद और विधायक रहने के बाद भी जीवन में पहली बार यहाँ ध्वजारोहण का अवसर मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमेशा यादगार रहेगा कि राजनांदगांव के इस पुलिस मैदान में, पीडीएस के शौर्य परेड मैदान में, आज बच्चों के इस कार्यक्रम में, स्कूल के कार्यक्रम में, जवानों के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। बहुत उत्साह था, छोटे छोटे बच्चों ने शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, देशभक्ति से परिपूर्ण था, और मुझे लगता है कि ये उत्साह राजनांदगांव के इस माटी में और ख़ास तौर से संस्कारधारी नगरी में जो यहाँ का संस्कार है उसके अनुरूप गौरव में ये कार्यक्रम हुए। मैं सभी को शुभकामना और बधाई देता हूँ, विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बधाई इसी मंच से देना चाहता हूँ, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में देश को संबोधन किया और एक संकल्प के साथ कि आज यदि पांचवी शक्ति है तो आने वाले समय में दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति भारत को बनाएंगे। ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के अंदर ये ताकत है, ये शक्ति है, ये शौर्य है, और ये भारत की आज़ादी के महापर्व में सबको शुभकामना देते हुए पत्रकार बंधुओं को खासतौर से जो आपने यहाँ पर भागीदारी निभाई, और सभी राजनांदगांव के बंधुओं को जो इस नए मैदान में इतनी बड़ी उपस्थिति के साथ, उत्साह के साथ ये कार्यक्रम आयोजित हुआ।